हेलो वीवर्स, हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ एंड फन लाइफ में। तो आज हम देखेंगे ऐसी अलग स्नैक्स की रेसिपी जो मीठी भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल लिए हुए हैं, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी इसको पानी में अच्छी तरह से धो के साफ़ करके लेना है, दो तीन बार पानी में धोना पड़ेगा इसे, और इसमें फिर पानी डाल के इसे भिगो के रखना है कम से कम 5-6 घंटे के लिए। आप इसमें कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं, किसी भी टाइप का चावल ले सकते हैं। एक ट्रेडिशनल गांव की रेसिपी है, विलेज की रेसिपी है, जो पहले से बनती आ रही है। तो जो घर में वो लोगों के चावल बनते थे, जो खेती में उनके बनते थे चावल, उसी से ही बनाया जाता था। जब 5-6 घंटे हो जाए तो इसमें से पानी निकाल लीजिए, और अभी इसे पीसना पड़ेगा। तो मैं मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसमें मैं चावल को पीस के लेता हूँ। मैंने चावल को पीस लिया है, अभी बाकी के बचे हुए चावल भी इसी तरह से पीस के लेना है, ब्लेंड करके लेना है। ये जो अभी मिक्सचर बना है वो पतला ही रहता है, अभी इसमें नमक मिलाना पड़ेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जाड़ी नहीं रहती है, जैसे कि डोसा बैटर रहता है उस तरह के नहीं होता है, इसे थोड़ा पतला ही रखना पड़ता है। तो इसमें मैंने पानी मिला के उसे पतला कर लिया है। इसमें अभी ऐड करना है नमक, वो अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। ये स्टफिंग रोल्स की रेसिपी है, तो इसके स्टफिंग के लिए हम यूज़ करते हैं नारियल। ये फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल है, और उसके साथ साथ मैंने लिया है जैगरी, लेकिन दो तरह की ली है। एक है पाम जैगरी जो नारियल से बनती है, काली वाली, और दूसरी है शुगर केन से बनने वाली जैगरी। और फिर मैंने ले लिया है थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची का पाउडर, वो भी इसमें मिलाना है, और अच्छी तरह से हाथ से ही मिलाना है। घर की जो भी कुकिंग होते हैं हम हाथ से ही करते हैं, तो मैं अगर YouTube पे भी आपको दिखा रहा हूँ तो भी मैं हाथ से ही मिला के दिखाऊंगा, जैसे होममेड फूड होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग देख रहे हैं इसलिए मैं हैंड ग्लोव्स डाल के आपको रेसिपी दिखाऊं, वो ठीक नहीं लगता। ऐसे भी तो हम जब होटल में खाना खाते हैं तो पता नहीं किसके हाथ से बना होता है, लेकिन फिर भी हमको टेस्टी लगता है। तो इसे हाथ से ही मिक्स कर लीजिए, और ये करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो के लीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है, क्योंकि जैगरी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो जैगरी की पीसीस वैसे ही रह जाएंगे, इसलिए इसको प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा हुआ है, इसको अभी ग्रीस करके लेना है। आप चाहे तो तेल से कर सकते हैं या घी से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चावल का ब्लेंड करके मिक्सचर बना लिया है, जो बैटर बना लिया है, उसको इसके ऊपर डाल देना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं इसे फैलाना है इस तरह से। इसका लेयर जो होता है वो पतला ही होता है, तो ज़्यादा आटा इसके ऊपर मत डालिए। इसके ऊपर अभी ढक्कन रखे, थोड़ी देर के लिए इसे पका लीजिए। जब साइड से ये छूट जाए तब समझ लीजिए ये रेडी हो गया है, तो इसे निकाल लीजिए प्लेट में। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ बैटर है उसका भी आपको चावल का डोसा इस तरह से बना के लेना है। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है, और इसे घावणे बोलते हैं। जो चावल का डोसा होता है उसने घावणे ऐसा कहा जाता है। अगर आप किसी विलेज साइड में जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप हर जगह पे छोटे छोटे होटल्स देख सकते हैं जिसमें लिखा है और रहता है कि घावणे मिलेगा या घावणे उसल, ऐसे वो डिश बहुत फेमस होता है। घावणे ये मराठी वर्ड है जो महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है। अभी इसे स्टफिंग करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैंने एक चावल का डोसा ऐसे प्लेन रख दिया है, इसमें जो भी मिक्सचर मैंने किया था गुड़ और इसका नारियल का, वो इसमें डालना है, और अभी इसको ऐसे गोल करके रोल करके लेना है।
ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है तो सालों से चलती आ रही है। ये ज़्यादा करके तब बनाई जाते हैं जब मानसून सीज़न होता है या रेनी सीज़न, बारिश का मौसम होता है, तो सर्दी खांसी ये चालू रहता है, तो वो ना होने के लिए ये गुड़ और नारियल खाया जाता है ताकि कफ ना बने अंदर, या अगर कफ बना है तो वो बाहर निकल जाता है आसानी से। इसके साथ साथ एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन है, तो आप कभी भी जब भी चाय के साथ या शाम के टाइम अगर कोई स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूर बनाइए। हेल्दी भी है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और इसमें जैगरी होने के कारण इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता ही है और डाइजेशन अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आने वाली ऐसी कुछ हेल्दी वीडियोस। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।